हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद समर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसका सिलेबस जैसे कि टीयर फर्स्ट, टायर सेकेंड, टायर थर्ड और टायर फोर्थ, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल डिटेल तो आदि के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा इसमें स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सिलेबस बताने से पहले आपको वैकेंसी का डिटेल शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2019 ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण तिथियों की अगर हम बात कर लें तो इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है 22 अक्टूबर 2019 से, तथा इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 22 नवंबर को शाम के 5 बजे तक। तो दोस्तों, 22 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जो बात करें हम इसके एग्ज़ाम डेट की, तो इसका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर देख सकते हैं, जो टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा वो 2 से लेकर 11 मार्च 2020 के बीच में आयोजित किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों, इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये का शुल्क होगा। एससी एसटी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी तथा आल कैटेगरी फीमेल के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि जो आवेदन शुल्क होगा वो फ्री होगा। और दोस्तों, इस फीस का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी वैकेंसी डिटेल है और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सभी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो उसके बारे में सारा डिटेल आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि आप स्किप करेंगे तो आपसे इंपॉर्टेंट जानकारियाँ छूट सकती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के अकाउंट्स ऑफिसर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे सिलेबस आप चेक कर सकते हैं। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड के लिए जो होगा वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तथा अन्य पोस्ट के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, जो ऊपर देखा वो कोई स्पेशल वैकेंसी है और यहाँ पर अन्य उस वैकेंसी को छोड़कर जो सभी पद हैं उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए इसके अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, और जो आल पोस्ट है दोस्तों इसके लिए बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन 1/1/2020 तक प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 1/1/2020 तक बैचलर डिग्री आपकी पूरी हो गई हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा टायर फोर्थ के आधार पर, यानी कि दोस्तों इसमें 4 पेपर होंगे, 4 चरणों में परीक्षाएं होंगी, जिसमें पहला चरण होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर, दूसरा चरण ऑनलाइन होगा यानी कि सीबीटी के आधार पर, और दोस्तों जो तीसरा पेपर होगा पेन एंड पेपर मोड यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इसमें आपको लिखित पेपर देना होगा, और जो चौथा पेपर होगा वो होगा दोस्तों कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, ये जिस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होगा उसी पोस्ट में अप्लाई होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी एग्ज़ाम की जो स्कीम है उसे चेंज करने का अधिकार कमीशन के पास है, उसे चेंज कर सकता है। और दोस्तों, इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की सुविधा भी अपनाई जाएगी, यानी कि दोस्तों कई शिफ्ट में इसमें एग्ज़ाम होंगे तो उसी के आधार पर इसमें नॉर्मलाइजेशन की सुविधा भी अपनाई जाएगी। और दोस्तों, एग्ज़ाम होने के बाद इसकी आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। और दोस्तों, यदि आपको कोई आपत्ति हो किसी क्वेश्चन पे, तो आपको पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपये देने होंगे। यदि आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, और यदि आपका जो क्वेश्चन गलत होता है, यानी कि जो गलत आप इसमें कंप्लेन करते हैं आंसर की को लेकर, तो वो आपका 100 रुपये चला जाएगा आयोग के पास। तो दोस्तों, सोच समझ कर आप इसे कंप्लेन कीजिएगा। तो इस तरह यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूरी डिटेल्स। तो अगर हम बात करें स्कीम ऑफ टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टीयर फर्स्ट का सिलेबस होगा ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के लिए,
जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, और इंग्लिश कंप्रिहेंशन होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। और दोस्तों जो समय होगा वो 60 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। दोस्तों बात करें हम टीयर सेकेंड एग्ज़ाम की, तो टीयर सेकेंड जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट होगा, क्वांटिटिव एबिलिटी 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन होगा 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के लिए, पेपर थर्ड होगा स्टैटिकल 100 क्वेश्चन 200 नंबर के लिए, और पेपर फोर्थ होगा जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के लिए। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों जो पेपर फर्स्ट और सेकेंड होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, बहुत ही विकल्पीय प्रश्न होंगे। और दोस्तों यह पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आयोजित किया जाएगा। बात करें दोस्तों इसके निगेटिव मार्किंग की, तो इसमें टीयर फर्स्ट में निगेटिव मार्किंग 0.50 की निगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। टीयर सेकेंड की बात करें हम, तो टीयर सेकेंड में 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी ईच के प्रत्येक प्रश्न पर। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टीयर फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन के लिए 0.50 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इस तरह यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, और पेपर फर्स्ट और सेकेंड जो होगा सभी के लिए कंपलसरी होगा। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर थर्ड आप टीयर टू, यानी कि दोस्तों जो ये पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर टू का जो पेपर थर्ड है स्टैटिकल स्टैटिक्स उसके बारे में, तो वो पेपर वही अभ्यर्थी दे सकते हैं जिसने जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया, वो पेपर थर्ड देंगे। टीयर सेकेंड के पेपर फोर्थ की बात करें तो उस पेपर को वही अभ्यर्थी देंगे जो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, वही उस चौथे फॉर्म को जो चौथा पेपर है उसे एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों बात करें हम स्कीम ऑफ टीयर थर्ड एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टीयर थर्ड होगा इसमें पेन और पेपर के मोड में एग्ज़ाम होगा, यानी कि दोस्तों पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा जिसमें आपको लिखित प्रश्न होंगे, प्रश्न लिखने होंगे उसमें आपको उत्तर देने होंगे उसके, और जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा जिसमें आपको एसे लिखना होगा, प्रेसिस लेटर एप्लीकेशन, तो ऐसे ही दोस्तों इसमें आपको लिखने होंगे। और इसमें कुल आपको मैक्सिमम 100 नंबर दिए जाएंगे, और जो समय होगा 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा इसमें आपको, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स पूरा चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करें हम इसके चौथे टीयर की, तो चौथा टीयर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सिलेबस देख सकते हैं जो टीयर फर्स्ट का सिलेबस होगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, तो यहाँ पे उसके बारे में आप जानकारी चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करें हम जनरल अवेयरनेस टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के भी संबंधित प्रश्न यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिटिक्स तो आदि से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ बात करें हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि मैथमेटिक्स से जो संबंधित प्रश्न होंगे वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, टाइम डिस्टेंस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज नंबर सीरीज तो आदि से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। दोस्तों बात करें हम इंग्लिश कंप्रिहेंशन की, तो इंग्लिश कंप्रिहेंशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बात करें हम टीयर सेकेंड की सिलेबस की, तो टीयर सेकेंड का जो सिलेबस होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर फर्स्ट के आधार पर ही होगा। टीयर सेकेंड का जो पेपर सेकेंड होगा वो भी फर्स्ट पेपर के आधार पर ही होगा, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो यही दोस्तों पेपर सेकेंड में आपसे पूछे जाएंगे टीयर सेकेंड में। पेपर थर्ड की बात करें तो पेपर थर्ड स्टैटिक से होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछा जाएगा आपसे। दोस्तों पेपर फोर्थ की बात करें यानी कि टीयर सेकेंड पेपर फोर्थ की बात करें हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न होंगे,
ये दोस्तों 80 नंबर के होंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। पार्ट बी की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न होंगे 120 नंबर के लिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स है, आप चेक कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न होंगे, मनी एंड बैंकिंग से संबंधित प्रश्न होगा। अब दोस्तों बात करें हम स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट, डाटा एंट्री स्पीड 8000, की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो स्किल टेस्ट होगा, तो उसके भी बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं आप। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पोस्ट वाइज कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा आपका, तो यहाँ पे उसे भी बारे में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पे सारी जानकारी आप दोस्तों चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लाने होंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके भी बारे में आप पूरी जानकारी है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा उसके भी बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी है, आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जनरल के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% तथा अदर कैटेगरी के लिए 20% नंबर टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड में लाने अनिवार्य होंगे। तो इस तरह यहाँ पे उसके भी बारे में डिटेल से पूरा चेक कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करते रहिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सके इसके सिलेबस के बारे में, जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में। तो इस तरह यहाँ पे पूरी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए मेल कैटेगरी में फिजिकल देख सकते हैं, हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 281 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक फुला इसमें अनिवार्य होगा। तो इस तरह यहाँ पे उसके भी बारे में डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों। इसमें 5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी गोरखा के लिए, एसटी के लिए। फिजिकल टेस्ट की बात करें हम, तो फिजिकल टेस्ट यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं वॉकिंग करना है 1600 मीटर का 15 मिनट में और साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर की 30 मिनट में, तो इसके भी बारे में यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फीमेल कैटेगरी की बात करें हम, तो फीमेल कैटेगरी में हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 48 केजी। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल टेस्ट जो होगा इसमें 1 किलोमीटर 20 मिनट में चल के जाना होगा, यानी कि पैदल जाना होगा। उसके बाद 3 किलोमीटर की साइकिलिंग होगी 25 मिनट में पूरी करनी होगी, तो उसके भी बारे में यहाँ पे डिटेल से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करें हम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो यानी कि CBI में, तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट दोस्तों 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य होना चाहिए मेल कैटेगरी के लिए। विजन के बारे में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों बात करें हम फिजिकल की सब इंस्पेक्टर यानी कि NIA के लिए, तो NIA में मेल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और ओमेन के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें भी 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य होना चाहिए। और विजन है उसके बारे में भी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरह पे दोस्तों सारी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम और मेडिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल्स है, वो यहाँ पे आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया SSC CGL के फुल सिलेक्शन प्रोसेस, ऑफिशियल सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, फिजिकल डिटेल। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।